नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम राशि चक्र, जिसमें हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल, आपके भविष्य का हाल। क्या लॉटरी लगेगी, नौकरी लगेगी, विदेश जाएंगे, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, क्या कोई नया साथी आने वाला है लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं नया सफर मेरे साथ, यानी एस्ट्रो अरुणा के साथ नया कार्यक्रम राशि चक्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन और मैं लेकर आई हूँ मीन राशि वालों के लिए मार्च माह कैसा जाने वाला है। मीन राशि वाली जो कि एक जलीय राशि होती है और मछली इसका साइन होता है, गुरु इस राशि के देवता होते हैं, बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत ही संवेदनशील इंसान होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं। इन्हें किसी भी कार्य में सहजता चाहिए होती है, बहुत ही धैर्य के साथ अपना काम करते हैं। मार्च माह में मीन राशि वालों के लिए करियर से संबंधित मैं ये बताना चाहूंगी, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में हैं, जो लोग मॉडलिंग में हैं, जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं जो कि लेटेस्ट गैजेट्स के साथ होता है, उसमें उन्हें अधिक सफलता मिलेगी। बैंकिंग से संबंधित कार्य के लिए माह बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने व्यवसाय को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये माह बहुत ही सुखद रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मीन राशि वाले जो कि सोच समझ के कार्य करते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं ये लोग, बहुत इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए साझेदारी में व्यवसाय कर सकते हैं, किसी की सलाह लेकर व्यवसाय कर सकते हैं। अगर इनका साझेदारी में पहले से ही कोई व्यवसाय चल रहा है तो अपने पार्टनर के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिए। किसी छोटी सी बात में मनमुटाव हो सकता है जिसके चलते इनकी पार्टनरशिप में कुछ दरार आ सकती है। पारिवारिक संबंधों में ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर में किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा, कोई विवाह शादी आदि कार्य भी संपन्न हो सकता है। धार्मिक अनुष्ठान जब भी आप करवाते हैं तो घर के पास पड़ोस के मंदिर से किसी पंडित जी को बुलाएं और उन्हें जाते वक्त कुछ सुनहरी रंग के, कुछ केसर कलर के, ऑरेंज कलर के कपड़े या मिष्ठान आपने दान में दें। पढ़ाई की दृष्टि से मीन राशि वाले जो जातक हैं, मार्च का महीना जैसा कि आप सब जानते हैं 10वीं और 12वीं के एग्जाम होते हैं, अगर ये लोग मीन राशि वाले लोग एक्टिंग में, मॉडलिंग में, किसी ऐसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, ऐसी जगह पर अपना करियर बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश संबंधित पढ़ाई इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, विदेश में जाना इन्हें पसंद होता है, यहाँ तक कि विदेश में सेटल होना इन्हें पसंद होता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो ऐसे व्यक्ति हैं 60+ जो लोग हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान होता है। कुछ स्वेलिंग से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर से संबंधित या स्वेलिंग से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। थायराइड का टेस्ट कराएं अपना। जो मीन राशि वाली लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते की ऑफर आएगी, नौकरी के उन्हें नए नए प्रस्ताव आएंगे। मीन राशि वाले इस माह अगर थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाएं तो उन्हें बहुत ही मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाली लड़कियां जिनके लिए रिश्ते आएंगे तो बहुत सोच समझ कर अपने रिश्तों का चुनाव करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। मीन राशि के जो जातक हैं, कुछ बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कुछ कर्जा लेना चाहते हैं तो वो अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं। विद्यार्थी खासकर अपने करियर का चुनाव बहुत सोच समझकर करें, करियर में सफलता मिलेगी उन्हें, जो भी करियर वो चुनते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। मीन राशि वाले लकी कलर अगर जानना चाहते हैं तो कुछ मैरून टच के शर्ट या साड़ी का आप चुनाव कर सकते हैं, या अपने साथ कुछ मैरून गहरे रंग के रुमाल का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसे आप हमेशा अपने साथ रखें। जैसा कि आप जानते हैं मार्च माह होली का महीना है तो होली खेलने के लिए जाते वक्त आप अपने साथ गोल्डन रंग का गुलाल लेकर जा सकते हैं, गोल्डन या केसर कलर का गुलाल आप अपने साथ रख सकते हैं। महिलाएं पूजन के लिए जाते वक्त अपने साथ ऐसी मिठाई लेकर जाए जिसमें केसर का प्रयोग हो सकता है, या केसर वाले दूध से आप पूजन कर सकती हैं। किसी ब्राह्मण को आप केसर मिश्रित दूध पीने के लिए दें, इससे आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे, बहुत आपको सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि जो कि एक जलीय राशि होती है तो एक सुझाव के तौर पर मैं उन्हें एक टिप बताना चाहूंगी कि ये लोग अगर पक्षियों के प्रति
अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उन्हें उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं, कुछ छत पर या किसी पार्क में पीने के पानी का प्रबंध करते हैं, तो इन्हें बहुत ही फायदा होगा। और अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना बेहद सुखद रहे, जैसे कि मौसम बदलता है इनकी जिंदगी में बहार आए, खुशियों की तरंगे आए। धन्यवाद।